नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। प्रेमी जोड़ों के लिए अक्सर यह कहावत कही जाती है कि दो जिस्म एक जान है हम, लेकिन अगर सच में दो जिस्म एक साथ हो जाएं तो सोचिए जीवन कितना कठिन होगा। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐसे ही वोटर है जिसका जिस्म तो अलग है लेकिन दिमाग एक ही है। पिछली बार चुनाव आयोग ने दोनों को जुड़वा होने की वजह से एक ही वोटर माना था, लेकिन बाद में आयोग ने दोनों के अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बना दिया है। विधानसभा चुनाव में वोट देने के बाद दोनों बहनें काफी खुश हैं। इनकी खुशी इस बात से है कि आयोग ने उनकी मुश्किलें समझी और घर पर ही आकर पोस्टर बैलेट वोट करवाया। लेकिन दोनों बहनें कहती है कि जब बूथ पर जाकर वोट करने की नौबत थी तब बूथ पर जाकर वोट करती थी, इसलिए बिहार के लोग एक एक वोट की कीमत समझें और वोट करें। दोनों बहनें लगभग 23 साल की हो चुकी है, दोनों मिलकर वोट करती हैं। जब दोनों का एक ही वोटर आईडी कार्ड हुआ करता था तो सभा कहती थी कि बटन दबाओ, फिर फरहान बटन दबाती थी। बाद में जब दोनों का अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बन गया तब इस बात की समस्या सामने आई कि वोट की गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोनों की शारीरिक बनावट ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को वोट करते हुए नहीं देख सकते हैं। सभा और फहरान के लिए इस समय सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक जिस्म दो जान है, एक चाहती है कहीं जाना तो दूसरी को भी जाना पड़ता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग दोनों का हिस्सा बन गया है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का गजब ख्याल रखती है, दोनों की ज्यादातर रुचियां मिलती जुलती हैं। इन दोनों को गठिया की भी शिकायत है, पैर की उंगलियां भी टेढ़ी हो गई है। दोनों को प्रतिदिन दवाइयां खानी पड़ती है। इन दोनों बहनों को इलाज के लिए एम्स लेकर कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन सभी का कहना है कि दोनों के सिर का ऑपरेशन कर अलग किया जा सकता है, लेकिन एक की जान पर खतरा हो सकता है। इस पर ना दोनों बहनें राजी हुई और ना घर का कोई सदस्य। इसके बाद से इसी तरह दोनों बहनों ने जीवन को अपनी नियति मान ली है। आपको बता दें कि दोनों बहनों में सिर्फ फहरान के पास किडनी है। दोनों बहनें फिल्म अभिनेता सलमान खान को भाई की तरह मानती है। दोनों ने एक बार सलमान खान को राखी भी बांधा था। वे अब कहती है कि सलमान खान उनको भूल गए हैं, लेकिन वे आज भी सलमान खान की फैन है। जब बिहार विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर जाबिर हुसैन थे तब उन्होंने दोनों बहनों को 1,00,000 रुपया दिलवाया था। उपसभापति सलीम परवेज ने 50,000 रुपये दिलवाया था। इसके साथ ही उन्होंने पटना नगर निगम की ओर से मौर्य कॉम्प्लेक्स में एक दुकान भी दी गई थी ताकि दोनों का लालन पालन ठीक से हो सके। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।